के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। रविवार को दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। रविवार को रात्रि में ही अचानक लखनऊ के लिए हुए रवाना। सोमवार को होने वाले संभावित प्रदेश कैबिनेट के विस्तार या अरुण जेटली के स्वास्थ्य को लेकर भी हैं अटकलें। सूर्यकुंड धाम के सुंदरीकरण की परियोजनाओं का शिलान्यास करने के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूर्यकुंड धाम के पौराणिक मंदिर में किया पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास एवं लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने कहा परमलीन महंत अवैधनाथ महाराज ने भी सूर्यकुंड धाम के पुनरुद्धार के लिए दिया था धन। किया आह्वान पर्यावरण का, करें संरक्षण, न करें प्लास्टिक का उपयोग। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ बाबा के दर्शन कर किए पूजन अर्चन। महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर टेका मत्था, लिए आशीर्वाद। अपर मुख्य सचिव सूचना व गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में संपन्न हुई गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की भूमि खरीद। औद्योगिकरण के लिए यूपीडा द्वारा भूमि अधिग्रहण तथा जनपद की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक। कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। पंचायत का अनोखा फरमान, 71 भेड़ के बदले पति ने पत्नी को किया प्रेमी के हवाले। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा 71 भेड़ों के मामले में मिली तहरीर पर आरोपी महिला का पति गिरफ्तार, 71 भेड़े प्रेमी के पिता के हवाले। शाहपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरी गए 25 लाख के गहनों के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। सीओ क्राइम व गोरखनाथ ने किया खुलासा, कहा चोरी गए सामानों की 100% हुई रिकवरी। टैक्सी के सफर के दौरान यात्री के बैग से जेवर और नकदी की हुई टप्पेबाजी, स्थानीय बेलीपार पुलिस को दिया तहरीर। पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर को लिया हिरासत में। दो अंतर जनपदीय ऑटो लिफ्टर को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। बरामद किए चोरी के 6 मोटरसाइकिल, एएसपी ने किया खुलासा। अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रस्तावित सूचना संकुल निर्माण का किया स्थलीय निरीक्षण, का कार्य शुरू करके किया जाए जल्द निर्माण। संस्कार भारती के तत्वावधान में विश्व फोटोग्राफी दिवस की पूर्व संध्या पर छाया चित्र प्रदर्शनी व स्थानीय विरासत के संरक्षण में छाया चित्रों का मौत विषय पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। सांस्कृतिक विरासत व धरोहर पर लगाई गई फोटो प्रदर्शनी। धूमधाम से निकली श्री रानी सती दादी जी की भव्य कलश यात्रा। 113 महिलाएं अपने माथे पर कलश लेकर निकली भव्य कलश यात्रा में। श्री गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व को समर्पित रक्तदान, लंगर एवं पौध वितरण का सिख समाज की ओर से किया गया आयोजन। और बैंक ऑफ बड़ौदा कार्यों की समीक्षा तथा उसमें सुधार लाने हेतु विचार मंथन के लिए आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला हुई संपन्न। विभिन्न चुनौतियों का विशेषज्ञों द्वारा 9 विषयों पर की गई चर्चा।